उनके 10 साल के कार्यकाल से ज़्यादा इस 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने नौकरियां हमारी सरकार ने दी हैं, और अभी ये समय इस महीने तो और भी जितने बचे हुए रिजल्ट्स हैं उनको सबको निकाल दिया जाएगा। ये तो बहुत पहले मैंने कहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग एक प्रकार का युवकों के साथ बद्दा मजाक करते हैं, हम लाखों लोगों को बुला करके उनको टेस्ट लेते हैं, CET टेस्ट लेते हैं, CET डी का है, फिर सी का है, उसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, छोटी सी बात को लेकर के, और कोई भी जा करके खड़ा हो जाता है कोर्ट्स के अंदर कि कैसे भर्ती को रोक दिया जाए, क्योंकि भर्ती रोकने से युवाओं को खिलवाड़ करते हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए शायद उनकी मंशा रहती होगी, लेकिन सरकार को बदनाम करते हुए युवाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि आज हमारे युवा समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ये नौकरियां खूब दे रही है। उनके 10 साल के कार्यकाल से ज़्यादा इस 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने नौकरियां हमारी सरकार ने दी हैं, और अभी ये समय इस महीने तो और भी जितने बचे हुए रिजल्ट्स हैं उनको सबको निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद तो जो उन्होंने 1,80,000 उन्होंने शायद 85,000 जो नौकरियाँ दी हैं कुल, उनके 10 साल के कार्यकाल से ज़्यादा इस 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने नौकरियां हमारी सरकार ने दी हैं, और अभी ये समय इस महीने तो और भी जितने बचे हुए रिजल्ट्स हैं उनको सबको निकाल दिया जाएगा। ये तो बहुत पहले मैंने कहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग एक प्रकार का युवकों के साथ बद्दा मजाक करते हैं, हम लाखों लोगों को बुला करके उनको टेस्ट लेते हैं, CET टेस्ट लेते हैं, CET डी का है, फिर सी का है, उसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, छोटी सी बात को लेकर के, और कोई भी जा करके खड़ा हो जाता है कोर्ट्स के अंदर कि कैसे भर्ती को रोक दिया जाए, क्योंकि भर्ती रोकने से युवाओं को खिलवाड़ करते हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए शायद उनकी मंशा रहती होगी, लेकिन सरकार को बदनाम करते हुए युवाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि आज हमारे युवा समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ये नौकरियां खूब दे रही है। उनके 10 साल के कार्यकाल से ज़्यादा इस 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने नौकरियां हमारी सरकार ने दी हैं, और अभी ये समय इस महीने तो और भी जितने बचे हुए रिजल्ट्स हैं उनको सबको निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद तो जो उन्होंने 1,80,000 उन्होंने शायद 85,000 जो नौकरियाँ दी हैं।